कलें सीट एडजस्ट करने के लिए भी ऑटो है, और ये क्रूज कंट्रोल ये चेक कर सकते हैं आप लोग, और स्टेयरिंग का मल्टीमीडिया ऑप्शन वगैरह सब है, गियर ऑटोमेटिक है। और इधर दोस्तों टोयोटा कैमरी 2013 मॉडल और 220,000 किलोमीटर चली हुई है, 2013 मॉडल है, 200,000 तकरीबन 200,000 से ऊपर चली हुई है, 200,000 यानी समथिंग चली हुई है। तो इसका प्राइस दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर 2009 मॉडल 220,000 किलोमीटर चली हुई है। तो दोस्तों इनोवा के लिए बहुत से भाइयों का फ़ोन आता है, ये टोयोटा इनोवा 2014 मॉडल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये टोयोटा कैमरी है 2013 मॉडल और 594,000 किलोमीटर चली हुई है, यानी तकरीबन 600,000 किलोमीटर के करीब ये गाड़ी चली हुई है, और बॉडी वकाला है दोस्तों, पूरी की पूरी गाड़ी जेन्युइन है, वकाला है, इंजन गियर वगैरह बिल्कुल सही है, 2013 मॉडल है, और ये नुस्फुल है, फुल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये चेक कर लें आप लोग गाड़ी, इसका राइट प्रोफाइल टायर और भी बिल्कुल सही है, यानी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, और फास्ट इस्तेमारा बिल्कुल नया है, चेक कर लें, स्पीकर भी लगा हुआ फास्ट का, बॉडी वकाल है दोस्तों, और क्रूज कंट्रोल वगैरह सब है इसमें, बस सनरूफ नहीं है, जीएल है। तो ये चेक कर लें आप लोग, सॉरी दोस्तों ये जीएल में बोला था, ये जीएलएक्स है, ये जो है जीएलएक्स है, और चार पार्किंग सेंसर इसके रियर वाले बम्पर पे, बाकी रियर कैमरा वगैरह सब दिया हुआ है, ये चेक कर लें आप लोग पीछे, और इसका मैं ट्रंक चेक करवा दूँगा, इसकी चाबी है, ये इसकी चाबी है, तो इसका ट्रंक ओपन हो गया है, अभी ये चेक कर ले, गाड़ी बिल्कुल साफ़ है दोस्तों, ट्रंक भी इसका, और इस बियर भी बिल्कुल सही हालत में है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। और ये इसके बम्पर पे दोस्तों हल्का फुल्का स्क्रैच है, लेकिन बॉडी वकाला दोस्तों, पूरी की पूरी गाड़ी जेन्युइन है, टायर वगैरह बिल्कुल सही है, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, एक रियाल का खर्चा नहीं है गाड़ी में, बस ट्रांसफ़र करने की फ़ीस और इंश्योरेंस की फ़ीस, वही दो चीज़ लगी गाड़ी में, बाकी पूरी की पूरी गाड़ी यानी रेडी है, और बम्पर पर हल्का फुल्का स्क्रैच वगैरह है फोग लैंप के साथ, बाकी टायर और चार जो है बिल्कुल सही है। और इसका इंटीरियर मैं चेक करवा दूँ, ये चेक कर लें गाड़ी दोस्तों, बिल्कुल साफ़ अंदर से, और ये जो है लेदर की सीट है, सीट जो है लेदर की है, और पीछे एसी पैसेंजर के लिए, गाड़ी दोस्तों साफ़ अंदर से, इतनी साफ चल जाएगी, बिल्कुल गंदी नहीं है, बहुत मामूली गंदी गाड़ी है, और वो पीछे वाले पे सीट कवर लगा हुआ दोस्तों लेदर का, बाकी ये चक्कर में विंडोज़ पावर है और साइड मिरर भी पावर है, और ये चक्कर में सीट एडजस्ट करने के लिए भी ऑटो है, और ये क्रूज कंट्रोल ये चेक कर सकते हैं आप लोग, और स्टेयरिंग का मल्टीमीडिया ऑप्शन वगैरह सब है, गियर ऑटोमेटिक है, और 2013 मॉडल है दोस्तों। बाकी इस गाड़ी स्टार्ट करके मैं इसका किलोमीटर भी चेक करवा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ दोस्तों, तो ये चेक कर ले किलोमीटर इसका आप लोग, 594,394 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, और ए सी इसका स्टार्ट कर देता हूँ, फिर इसका ए सी भी बता दूँगा कि ठंड कर रहा है या नहीं, तो अभी इसका इंजन भी चेक करवा दूं आप लोगों को। इधर दोस्तों काम हो रहा है वहाँ पे सामने, तो इसलिए उस वॉइस में डिस्टर्ब हो रहा होगा, मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, बस जस्ट मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चेक कर ले, इंजन गियर माशाल्लाह बिल्कुल सही है, इंजन बिल्कुल सही है, चेक कर सकते हैं आप लोग, कहीं से तेल का लीकेज वगैरह बिल्कुल नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी जेन्युइन है दोस्तों, बॉडी वगैरह जो है बिल्कुल वकाला है, जेन्युइन है। तो अभी इसका ऐसे चेक कर लेता हूँ, अब बोनट नहीं बंद हो रहा है, बंद हो गया, तो अभी गाड़ी स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, माशाल्लाह एसी जो है ठंड कर रहा है, ठीक है दोस्तों, एसी जो है ठंड कर रहा है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 35,000 रियाल, 533,000 इसका प्राइस है, पूरी की पूरी गाड़ी जेन्युइन वकाला है, 2013 मॉडल है, क्रूज कंट्रोल बस इसमें सनरूफ नहीं है, और सारे ऑप्शन जो आते हैं इसमें वो सब है, बस इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। तो 35,000 रियाल इसका प्राइस है, टोयोटा कैमरी 2013 मॉडल। तो अगर किसी भाई को ये वाली गाड़ी चाहिए, सिर्फ ये वाली, तो ये स्क्रीन पर नंबर शेयर कर दिया हूँ, इस पर जो है आप लोग बात कर सकते हैं, शुक्रिया। तो दोस्तों इनोवा के लिए बहुत से भाइयों का फ़ोन आता है, ये टोयोटा इनोवा 2014 मॉडल और 3,80,000 किलोमीटर चली हुई है, और इंजन गियर चेसिस बिल्कुल सही है, बॉडी जो है
एक दो जगह से रिपेंट है, बाकी मैं गाड़ी चेक करवाते रहा हूँ आप लोग को। इसका ये लेफ्ट प्रोफाइल चेक करना, आप लोग स्क्रेच वगैरह है गाड़ी में, यहाँ पे भी हल्का सा स्क्रेच है। और ये इसका दरवाज़ा जो है डेंट है, वीडियो में शायद आप लोग को क्लियर दिख रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर डेंट दिख रहा है। और टायर वायर भी सही कंडीशन में दिख रहा है, और यहाँ पर भी गाड़ी डेंट है। ये है यहाँ पर भी जो दोस्तों डेंट है, डेंट उसको बोलते हैं जो तादिल रहता है, यानी रिपेंट नहीं रहता गाड़ी, बिना रिपेंट किए हुए गाड़ी जो है सही की गई है। बाकी इसका फ्रंट प्रोफाइल चेक कर लें, और इसका ये बोनट दोस्तों ये चेक करें, ग्रिल के साइड में जो हल्का सा कलर बहुत मामूली सा। बाकी ये चेक कर ले लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल इसका। गाड़ी दोस्तों अच्छी कंडीशन में है, गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में है, इंजन गियर चेसिस सही है, और ये गियर ऑटोमेटिक है, गियर जो है ऑटोमेटिक है। बाकी ये चेक कर ले, और इसका ये बैक लाइट जो है यहाँ पे लहाम लगा गया है, जोड़ा गया है बाद में, और ये वाली लाइट सही है। बाकी दोस्तों इसका इंटीरियर चेक कर ले, गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ अंदर से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये चेक कर ले, बिल्कुल साफ़ गाड़ी दोस्तों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और एसी पैसेंजर के लिए चेक कर लें आप लोग, पीछे भी दिया हुआ है वो पीछे, और इधर बीच में भी। और ये चेक कर लें, गियर ऑटोमेटिक है, विंडो साइड मिरर सब पावर है। बाकी गाड़ी दोस्तों माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और दोस्तों इमारत में काम हो रहा है, इसलिए शायद वॉइस डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, माइक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 33,000 रियाल, तलातो थलाती नल्फ इसका प्राइस है। टोयोटा इनोवा 2014 मॉडल, और 380,000 किलोमीटर चली हुई है, गियर ऑटोमेटिक है। 33,000 रियाल इसका प्राइस है, तलातो थलाती नल्फ, और कंडीशन माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी की दिख रही है। तो इधर दोस्तों टोयोटा फॉर्चूनर 2009 मॉडल, 220,000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है दोस्तों, टोयोटा फॉर्च्यूनर 2009 मॉडल, और 220,000 किलोमीटर चली हुई है। और गियर ये दोस्तों 4x4 है, गियर जो है 4x4 है। बाकी ये चेक कर ले, टायर और भी बिल्कुल सही है इसका, और ये इसका राइट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं आप लोग। कंडीशन दोस्तों अच्छी दिख रही है ये वाली भी माशाल्लाह, कंडीशन गाड़ी की अच्छी दिख रही है। बाकी ये चेक कर ले इसका बैक प्रोफाइल, और दो पार्किंग सेंसर। बाकी इसका जो रियर वाला बम्पर है दोस्तों, इसका कलर जो है निकल गया है हल्का हल्का कहीं कहीं से, और टूटा हुआ भी है। तो ये दोस्तों बम्पर से मसला नहीं है, बस बॉडी जो है सही होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए बस, ये 250 रियाल में लग जाता है दोस्तों। बाकी ये चेक कर ले इसका लेफ्ट प्रोफाइल, चारों टायर दोस्तों नया है, बिल्कुल नया है चारों टायर इसका, चारों टायर जो है बिल्कुल नया है, ये वाला टायर भी चेक कर सकते हैं आप लोग। तो सारी गाड़ियाँ दोस्तों फास्ट इस्तेमारा बिल्कुल नया है, जितनी भी गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ फास्ट वगैरह बिल्कुल नया है, जदीद है। तो ये चेक कर लें आप लोग, और यहाँ पे भी बम्पर जो है हल्का सा टूटा हुआ है सामने वाला। बाकी फास्ट का स्टिकर मैं चेक करवा दूँ आप लोग को, ये चेक कर लें फास्ट जो है बिल्कुल नया है। और ये चेक कर लें इंटीरियर, गियर ऑटोमेटिक है, विंडो साइड मिरर सब पावर है, और गाड़ी दोस्तों बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इसमें भी एसी सेम इनोवा की तरह है, बीच में है और सबसे पीछे है, और सामने तो रहता ही है। तो ये हिसाब से भी चेक कर लें आप लोग, सामान वगैरह रखा हुआ है इसमें, खर्चा वगैरह बिल्कुल दोस्तों, लेकिन गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 32,000 रियाल, इसने 32,000 रियाल इसका प्राइस है। तो अभी लास्ट में नंबर शेयर करूँगा इंशाल्लाह इन सब गाड़ियों का, इनोवा का और ये फॉर्चूनर का। और उधर एक गाड़ी खड़ी है दोस्तों, और फॉर्चूनर है यहाँ पर, ये शायद से 2014 मॉडल है, और 4 लाख चली हुई है, तकरीबन 4 लाख किलोमीटर चली हुई है, 2014 मॉडल है। और ये 4x4 नहीं है दोस्तों, ये वाली 4x4 नहीं है, और 4 लाख यानी 4 लाख से ऊपर ही चली हुई है तकरीबन, मैं भूल गया, मुझे बताए थे लेकिन मैं भूल गया। तो ये 4x4 नहीं है, और ये 2014 मॉडल है। बाकी ये चेक कर लें आप लोग, इसका दरवाज़ा जो है यहाँ पर डेंट है, तादील है इधर। बाकी इसका इंटीरियर चेक कर लें दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल साफ़ अंदर से, बिल्कुल फ्रेश है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ से भी सेम उसी की तरह, इसमें भी एसी दिया हुआ है,
ठीक है। और ये 2014 मॉडल है, 4x4 नहीं है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। और इसका प्राइस है 42,000 रियाल, इसलैंड ओरिजिनल इसका प्राइस है दोस्तों। टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल 4 लाख से ऊपर चली हुई है। तो और ये दोस्तों टोयोटा कोरोला है, इसका वीडियो मैं पहले बनाया था, ये 2013 मॉडल है, और इसका 2013 मॉडल है, 2 लाख तकरीबन 2 लाख से ऊपर चली हुई है, 2 लाख यानी समथिंग चली हुई है। तो इसका प्राइस 28,000 रियाल समानी ओरिजिनल इसका प्राइस है। तो इसका वीडियो मैं बनाया था, मैं इंशाल्लाह इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। बाकी इधर दोस्तों टोयोटा कैमरी 2013 मॉडल और 2,20,000 किलोमीटर चली हुई है, सॉरी दोस्तों 2,60,000 किलोमीटर चली हुई है, 2013 मॉडल है, 2,60,000 किलोमीटर चली हुई है। बाकी ये चेक कर सकते हैं आप लोग, टायर वायर भी सही है, और जितनी भी गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों फास वगैरह बिल्कुल नया रहता है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, फास नया है। बाकी इसका फ्रंट प्रोफाइल चेक कर लें आप लोग, माशाल्लाह गाड़ी दोस्तों बिल्कुल यानी अच्छी दिख रही है, कंडीशन गाड़ी की माशाल्लाह एक नंबर दिख रहा है गाड़ी का। बाकी टायर वायर भी बिल्कुल सही है, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, एकदम रेडी टू ड्राइव जिसको बोलते हैं, वो गाड़ी बिल्कुल तैयार है रोड पर ले जाने के लिए। बाकी ये चेक कर लें बैक प्रोफाइल इसका। तो दोस्तों मेरे पास माइक वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं मोबाइल ही से वीडियो बनाता हूँ, और आजू बाजू में काम होता है इमारत का और कुछ काम होता है, तो वॉइस में डिस्टर्ब होता होगा आप लोगों, तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। तो बहरहाल ये चेक कर लें आप लोग, और इसका इंटीरियर ये चेक कर लें, गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अंदर से बिल्कुल साफ़ है, और पीछे एसी भी है पैसेंजर के लिए, और गाड़ी बिल्कुल फ्रेश अंदर से। और ये चेक कर सकते हैं आप लोग, गियर ऑटोमेटिक है, विंडोज साइड मिरर सब पावर है, और गाड़ी बिल्कुल साफ़ है दोस्तों। और इसका प्राइस है 33,000 रियाल, तला तो तला तीन इसका प्राइस है दोस्तों। और इससे पहले जो वाइट कलर की थी उसका प्राइस था 35,000 रियाल, 4 लाख कितनी चली हुई थी, 4,94,000, 5,94,000 चली थी, और ये 2,60,000 चली है। वो GLX है, ये GL है, ठीक है, उसमें जो है क्रूज कंट्रोल वगैरह सब है, बस सनरूफ नहीं है। बाकी ये GL है, 33,000 रियाल इसका प्राइस है, तला तो तला तीन। और तो दोस्तों इन सब गाड़ियों में से पहली गाड़ी को छोड़कर, जो पहली गाड़ी का मैं वीडियो बनाया था कैमरी का, उसको छोड़कर अगर इनमें से कोई भी गाड़ी चाहिए आप लोग को, तो ये स्क्रीन पर दो नंबर शेयर कर दिया हूँ, इन दोनों नंबर पे आप लोग जो है किसी पे भी जो है बात कर सकते हैं, अगर कोई भी गाड़ी चाहिए आप लोग को तो बात करिए, और यहाँ पर जब आइए तो लाजमी तौर पर जो है उसको कंप्यूटर चेक करवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।